भाई ये प्रोजेक्ट आज नहीं कंफर्म हुआ, बहुत पहले से ही कंफर्म है। अटली, शाहरुख खान, जेठालापति। भाई साहब ये जो प्रोजेक्ट आने वाला है, भाई कसम से मैं बता रहा हूँ भाई, 2000 करोड़ तो ये हंस कर देगा। क्योंकि अभी आपको बताता हूँ, आप लोग खुद कहेंगे भाई, आप लोग कमेंट में लिख कर जाएंगे भाई, 2000 करोड़ तो कन्फर्म है भाई, कन्फर्म है भाई, लिख के ले ले। बट अभी तो मूवी की शूटिंग भी नहीं हुई है, मतलब अभी इसकी स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी गई है, बट मैं इतना कॉन्फिडेंट के साथ कहते कह रहा हूँ भाई कि 2000 करोड़ पक्का है। देखिए गाइस, आपको पता है अटली कुमार और शाहरुख खान और विजय थालापति, जो कि अटली कुमार ये दोनों के साथ मूवी बना रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आपको कह सकते हैं भाई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो भाई क्यों बना रहे दोनों के साथ? देखिए शाहरुख खान अटली बहुत जबरदस्त, आप लोग कह सकते हैं उनकी दोस्ती है। पर अटली शाहरुख खान को छोड़ना भी नहीं चाहते भाई, और विजय थालापति को भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि अटली को फैंस फॉलोइंग मिली हिंदी से। क्यों? जवान की वजह से, शाहरुख खान की वजह से। शाहरुख खान की मूवी जवान, जिसने वर्ल्ड वाइड 1170 करोड़ रुपए का कलेक्शन दिया, और इसी वजह से भाई जाने हैं लोग अटली कुमार को हिंदी से बॉलीवुड में, आपको पता है। तो भाई ये ऐसे में अगर हम लोग देखेंगे तो विजय थालापति ने भी भाई अच्छी खासी, आप लोग कह सकते हैं वो भी वहां से भी अच्छा खासा फैन फॉलोइंग अटली कुमार को मिला है। तो भाई इस समय जो प्रोजेक्ट बड़ा है, वो कौन सा प्रोजेक्ट है भाई, कौन सी मूवी आने वाली है? लेकिन तो भाई अभी जो न्यूज आपको मैं बताऊंगा, बहुत शॉकिंग न्यूज है। आप लोग सुनने के बाद सोचेंगे भाई क्या हो गया यार, कैसे क्या हो गया। मतलब भाई देखो, अभी इस समय शाहरुख खान की 3 फिल्म है जो कि भाई कंफर्म है। पहले तो आप ले लीजिए किंग, ठीक, किंग हो गई। उसके बाद होगी पठान 2, फिर टाइगर वर्सेस पठान, जो कि भाई ये 3 फिल्म है जो कि भाई कंफर्म है एकदम से, तीनों की तीनों फिल्में कंफर्म है। बट इनकी रिलीज डेट भी आप लोग कह सकते हैं भाई, किंग जो 2025 में रिलीज होगी, लास्ट टू मुझे लगता है किस्मत पे रिलीज होगी किंग। उसके बाद पठान 2, उसके बाद टाइगर वर्सेस पठान, जो कि 2027 में टाइगर वर्सेस पठान आएंगे। तो भाई मतलब कि आप लोग कैसे, अभी 2024 चल रहा है, 25 26 27, तो भाई कुछ 3 साल 3 साल 4 साल के बाद, और उसी समय भाई विजय थालापति को भी कोई भी मतलब बहुत बड़ी फिल्म वो भी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं भाई ये जो एटली का बड़ा प्रोजेक्ट है जिसपे वो काम करेंगे शाहरुख खान विजय थालापति को लेकर, ये प्रोजेक्ट भाई आप लोग कह सकते हैं भाई कम से कम 4 साल बाद आएगा। जी हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं इस पर बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि भाई 4 साल बहुत ज्यादा होता है। बट अगर मैं कहूँ भाई, मैं इतना कॉन्फिडेंट के साथ कैसे कह रहा था कि 2000 करोड़ पक्का मूवी हंस कर दे जाएगी भाई। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है RRR हो गई, बाहुबली 2 हो गई, और ऐसी बहुत सारी मूवी होगी जिसकी स्क्रिप्ट लिखे कौन? SS राजामौली के फादर्स। और भाई बताया जा रहा है कि जो एटली जो करने जा रहे हैं, एटली जो डायरेक्टर है भाई, वो जो मूवी करने जा रहे हैं शाहरुख खान विजय थालापति के साथ, उसके जो भाई राइटर हैं वो आप लोग कह सकते हैं SS राजामौली के फादर्स हैं, उनकी स्क्रिप्ट के साथ भाई, वो उनकी स्क्रिप्ट जो गई वही लिखेंगे जो शाहरुख खान विजय थालापति फिल्म करने जा रहे हैं एटली के साथ। स्क्रिप्ट जो है भाई वो SS राजामौली के फादर्स की ही है भाई। तो भाई आप लोग कह सकते यार, अगर उनकी स्क्रिप्ट ना होती फिर भी भाई 1500 करोड़ तो मूवी देकर जाती अटली, अटली की वजह से। प्लस शाहरुख खान तो भाई पूरा इंडिया तो संभालेंगे ही, विदेश में भी संभालेंगे, और साउथ तो संभालेंगे विजय थालापति। मतलब कि भाई बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है भाई। जब मूवी का जो डेट है जब वो करीब आएगा भाई, उस समय क्या माहौल बनेगा भाई, स्टेडियम में भाई बदल जाएगा थिएटर, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि अभी तक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट यार नहीं देखने मिला भाई। भाई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। वैसे आपको क्या लगता है भाई, राइटर हैं जो उन क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या हो पाएगी मूवी 2000 करोड़? भाई अगर हो जाती है तो भाई